जैसा दिल्ली का साइज बढ़ा, वैसे बहानेबाजी का साइज बढ़ा। ये दोनों चीज दिल्ली में एक साथ बढ़ी। मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में समाज में काम करने वाले लोग नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है। अगर उस वक्त इक्यासी में 10 लोग थे तो आज हजारों की तक। लेकिन अगर तब 10 बहाने वाज थे या 10% मिले तो आज 90%। ये साइज के साथ चरित्र में बदलाव आया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ला दिया माता दीन साहब, उस वक्त हमारे हेड होते थे आपने कभी, तो वो इसको कास्टिज्म को नहीं मानते। ऐसे ही और भी थे, डॉक्टर ज्ञानचंद थे, वो भी कास्टिज्म को नहीं मानते। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे साथ हमारे समाज के प्रोफेसर्स, ऑफिसर्स और स्टाफ में जो ठीक ठाक था। तो माता दीन साहब के साथ जब एक जाति का थप्पड़ पड़ा तो उन्होंने हमको बुलाया। तो उन्होंने कहा है, मैंने 2 साल से तुम लोगों को नहीं सुना ढंग से, मैं ऐसा गलत फहमी में था, ये कास्टिज्म जो है ये कुछ लोगों के दिमाग का फितूर। हकीकत में अगर आप मेरी तरह बन जाओ तो कोई कास्ट नहीं। तो वो एचओडी थे और बड़े माने जाने, मेरा ख्याल है डीयू के आज भी जो लोग हैं वहां काम कर रहे हैं उनको पता होगा डॉक्टर माता दीन क्या है। दूसरा एक उदाहरण, हमारे एक एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो हम उनके पास गए। मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर SC ST वेलफेयर एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव में था, तो वहां भी हमारा रहता था भी कार्यक्रम करना है, सबको बुलाओ जाने से जाने, तो भी हम गए होने का बातचीत करते हैं। तो उनका भी यही कहना था, अरे क्या तुमको भी आ रही है लेके चलते रहते हो, कितना है जाती का। 4 महीने के बाद हमका फोन आया, अरे आपसे कुछ बात करनी है। हम कार गाड़ी के 2-3 लोग गए और उन्होंने बोला, भाई सॉरी मैं उस वक्त नहीं समझ पाता, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है तब मुझे समझ। तो ये जितने कैपिटल्स हैं, चाहे स्टेट की राजधानी हो चाहे देश की राजधानी, यहां आदमी को तब बीमारी समझ में आती है जब वो उसको खुद लगती, दिमाग से समझ में नहीं आती। जब समाज में वो रहता नहीं, अब जो समाज में घूमते हैं समाज में रहते हैं उनको ये सब आसानी से समझ में आ जाता है, वो देखते हैं समाज में ये सब हो रहा है, या दफ्तर में भी समाज के बीच में रहता है तो समझ में आता है। दफ्तर में होता है, जैसे हमारे सभी मेहमान वक्ताओं ने बताया, सभी ने एक ही बात कही, ये हमारे साथ जो होता है उसका कारण क्या है, समाज व्यवस्था। तो समाज व्यवस्था अगर इसका कारण है तो निवारण क्या है। अगर मान लीजिए टीबी हो गई और टीबी का वायरस अगर शरीर में है, जो कारण है उसका, तो टीबी ठीक कैसे होगी, उसको मारोगे तभी ठीक होगी वायरस, वो रहेगा तब तो ठीक नहीं होने वाली। एक आम बीमारी है मलेरिया, अब वो जो उसका जो कीड़ा होता है वो मच्छर से निकलता है, मादा मच्छर से। अब वो मादा मच्छर मतलब पैदा करने की फैक्ट्री अगर रहेगी तो जाहिर है वो कीड़े भी फैलते रहे, तो मलेरिया कहां से खत्म होगा, वो तो नहीं होने वाला। हो गया तो फिर क्या करेंगे आप। अब ये आप पैरासीटामोल देते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तब तो ठीक नहीं होने वाली। जब तक कि उस मलेरिया को
जिसकी जो वजह है उसके शरीर में जो मौजूद है, तब तक आप उसको कदम नहीं करते। ऐसा ही अगर समाज व्यवस्था ही कर्मचारियों की समस्याओं का भी अगर कारण है, तो कर्मचारियों को फिर भी अगर अपनी समस्याएं सुलझानी है तो किसके लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, किस अगर समाधान चाहिए अपनी समस्याओं का और कारण अगर उनका समाज की व्यवस्था में है, तो समय ज्यादा से ज्यादा, पैसा ज्यादा से ज्यादा, दिमाग ज्यादा से ज्यादा, संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किस चीज पर करना था? समाज व्यवस्था को खत्म करने का। अब समाज व्यवस्था क्या है, ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं अभी तक 81 से लगातार आप सिर्फ के साथ हूं, शायद आप लोगों में से कुछ लोग उस वक्त स्कूलों में रहे होंगे, हो सकता है जवानों में बहुत सारे उस वक्त पैदा न हुए, हो सकता है बहुत सारे शादी जिस पोजीशन में आज है उस पोजीशन में ना। 81 से आज तक पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो चाहे मैं जब पूछता हूं, अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि मेरा समाज क्या है, अभी जैसे हमारे साथियों ने यहां से बोला भाई हमारा समाज, हमारा समाज बिल्कुल ठीक बात है, पर ये हमारा समाज है क्या? हमारा समाज है क्या? सबके मन में एक बात होती है, शेड्यूल कास्ट का है तो बोलेगा शेड्यूल कास्ट हमारा समाज, एसटी का है तो एसटी बोलेगा एसटी हमारा समाज, पर क्या है, क्या शेड्यूल कास्ट नाम का कोई समाज है? समाज व्यवस्था में कहीं से भी आप ढूंढो, कहीं से जहां से समाज व्यवस्था बनी, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से स्टार्ट, बात तो कही होगी लेकिन वहां संदर्भ आया, कोई चीज अस्तित्व में होती है तभी कहीं लिखा पढ़ी में आती है, नहीं तो क्या आएगा, संकल्प आएगा उसका, विचारधारा आएगी। अगर वो वहां नाम के साथ अगर लिखी गई है, इसका मतलब उस वक्त वो अस्तित्व में आ गया। अब वहां समाज व्यवस्था चार खानों से, चार नामों से ही जानी गई, पांचवा तो है ही, आप भी पढ़ लें ऋग्वेद का 10वें मंडल का पुरुष, तो वहां समाज व्यवस्था क्या बताई है? समाज व्यवस्था ये बताई है कि साहब एक विराट पुरुष पैदा हुआ, अपने आप पैदा हुआ, उसके पैदा होने का वहां कोई जिक्र नहीं है कि विराट पुरुष वहां से आया, कैसे पैदा हुआ, उसके पैदा होने का सोर्स क्या था, इतना ही जिक्र है कि विराट पुरुष थे, विराट पुरुष हुए और उनके मुख से एक पहचान बनी इंसानों की जिसको ब्राह्मण बोलते, एक उसकी भुजाओं से इंसानों की पहचान निकली जिसको क्षत्रिय बोलते हैं, एक उसके पेट से इंसानों की पहचान बनी, पूरा एक वर्ग निकला जिसको वैश्य बोलते हैं, इसके अलावा एक चौथी पहचान के इंसान बने जो पैरों से निकले जिनको शूद्र। ये सामाजिक व्यवस्था है पहली बार जहां जिसका जिक्र मिलता है, जहां से शुरुआत होती है वो ऋग्वेद का, और ऋग्वेद को क्या मानते हैं, ऋग्वेद को हमारे देश में क्या मानते हैं, ये सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य, ऋग्वेद को वो पवित्र सवित्र तो जो होगा वो होगा, वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पढ़ते पढ़ते ही हो सकता है कोई लोग आप में से जूते भी मारने शुरू कर, मैंने पढ़ा है, मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ा, ऋग्वेद को पढ़ा, सामवेद को पढ़ा, अथर्ववेद को पढ़ा, ये सब पढ़ा, ये चार मुझे बड़ा शौक था, खाली इतने बात के लिए पढ़ा कि देखो समाज व्यवस्था क्या है, और मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पढ़ा उसमें, जब पढ़ा मैंने तो फिर मुझे गुस्सा आया, अलग क्या किस चक्कर में फंस गया, इतना बकवास आप
पढ़े ही आप यही कह रहे, इससे बकवास शायद नहीं हो सकता अगर आप पूरा पढ़ जाएंगे शुरू से आगे। बस आपको ये चीज दसवें मंडल में जाएंगे तब थोड़े काम की लगेगी कि चलो इससे कुछ समझने को मिला कि ये जो आज हम 6,000, 7,000, 10,000 जातियां उपजातियां हैं तो हकीकत में इतनी तब नहीं थी जब ये व्यवस्था शुरू। अब ऐसे की ब्राह्मणों ने क्यों की, मकसद क्या था, वो सब आप अपना तय कर सकते हैं। मगर हकीकत ये है कि जब इस देश में समाज का बंटवारा किया गया तो केवल चार नामों से बंटवारा किया। अब उससे पहले जो भी नाम रहा, अब ये चार पहचान से आज अगर आप किसी को पूछो तो ब्राह्मण को यह पता है, वो अपनी जात का नाम नहीं लेता। ब्राह्मणों में तकरीबन 1700 जातियां हैं, क्षत्रियों में तकरीबन 2200 जातियां, 2200 ही शूद्र कास्ट की जातियां हैं, और वैश्यों में भी तकरीबन 1100 के आसपास हैं। वो अपनी जाति को समाज नहीं बताते, वो किसको समाज बताता है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शुरुआत में उसको नाम मिला। ब्राह्मण को पूछो, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ग है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय वर्ग है। ऐसे ही वैश्य कोई जाति नहीं है, वैश्य एक वर्ग है। तो चौथा कौन सा बचा? इसकी किसी आदमी से बात करो कि तेरा समाज क्या है, वो क्या होगा, उसको पता ही नहीं वर्ण का नाम, उसको वर्ण का नाम, उसका समाज। जैसे हमारे पढ़े लिखे लोग शूद्री कास्ट को समाज समझते, ऐसे ही थोड़े कम पढ़े लिखे लोग जाति को समझते, बस इससे ज्यादा समाज नहीं जानते। समाज की परिभाषा जाति से आगे नहीं है। आप भी कहीं बैठ करके ये चर्चा करें, किसी एक व्यक्ति से पूछें भाई आपका समाज क्या, तो शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट बोलेगा। अब शेड्यूल कास्ट का मतलब वो लिस्ट है, शेड्यूल का मतलब लिस्ट। अब क्योंकि कानून की किताब में वो लिस्ट है इसलिए उसको शेड्यूल बोलते हैं, वैसे अगर कहीं और होगी तो क्या बोलेंगे, उसको लिस्ट बोलेंगे, सूची बोलेंगे, और वहां उसको अनुसूची बोलते हैं, क्योंकि वो कानून के साथ जुड़ी हुई है, संविधान के साथ जुड़ी है या किसी कानून के साथ, इसलिए उसको अनुसूची बोलते हैं। अब ये जो अनुसूची है इसमें कुछ जातियां शामिल हैं, वो जातियों की जो अनुसूची है उसमें जितनी जातियां शामिल हैं उनको आप क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति। लेकिन समाज तो नहीं हुआ, इससे समाज का पता कैसे चले? फिर आप ढूंढेंगे ये अनुसूचित जाति होती क्या है भाई, मतलब वो जाति है जो इस सूची में शामिल है, कब बनी, कैसे बनी, वो एक अलग कहानी है, अलग इतिहास है उसका। ऐसे ही जनजाति है, फिर ट्राइब है, उसकी एक अनुसूची है, उसमें जो ट्राइब है वो क्या है, अनुसूचित जनजाति। किस आधार पर है, कैसे है, कहां से शुरुआत है, कोई, मगर सामाजिक पहचान जो हम बोलते हैं भाई हमारा समाज, हमारा समाज, हमारे समाज के दायरे में ये समाज कहां से बन गया, इसमें हमारा समाज किधर है। अगर आप केवल ये बोलते हो कि अनुसूचित जाति हमारा समाज है तो मध्य प्रदेश में कुमार 9 जिलों में अनुसूचित है। शायद आप में से वामसेव के साथियों के अलावा बाकी को शायद इस बात की जानकारी ना, होशंगाबाद और उसके आसपास के जो एरिया है 9 जिलों में जो कुमार जाति है वो अनुसूचित है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में वो ओबीसी। जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में बड़े एरिए में गुर्जर जो है वो जनजाति है और बाकी देश ओबीसी है। अगर
नहीं, हमारा समाज हुआ कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर हिस्सों में लोहार जो है वो अनुसूचित जाति है, उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्से में माली जो है वो अनुसूचित जाति है। तकरीबन ऐसी 1100 से ज्यादा जातियां हैं जो एक एक जैसे धोबी है, आप जहां बैठे हैं यहां धोबी क्या है? तो यूटी की वजह से है, लेकिन अगर सरकार के तौर पे देखो तो क्या है, दिल्ली सरकार को अगर लेके चले तो धोबी ऐसी नहीं है, धोबी सी। अभी चौहान साहब ने जो जजमेंट बताया तो उसकी वजह से अब क्योंकि अखिल भारतीय जो क्या बोलते सिद्धांत है वो दिल्ली में लागू होगा, तो अभी फिर वो ऐसे हो जाए। हरियाणा में हरियाणा वाले हैं उनको मालूम है धोबी जो है वो ओबीसी, पंजाब में ओबीसी। ये एक जाति का मसला नहीं है, बहुत बड़ी संख्या ऐसी जातियों की जो किसी एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट है और बाकी देश में ओबीसी है या ओबीसी नहीं था तो क्या था वो जनरल अनरिजर्व। तो आप जब हमारे समाज की बात करते हो तो फिर हमारे समाज की कौन सी परिभाषा आप लेके चलते हो? अहीर जैसे अहीर यादव जी को आप वेस्ट बंगाल और साउथ के कुछ स्टेट्स में देखें, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो अहीर वहां पर शुरू कर अहीर। अब इसके आप इसके सामाजिक पहचान के अनुसार अगर आप देखें तो ऐसा क्यों होगा? क्या ऐसा है कि हमारे देश में समाज की व्यवस्था अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र में बनाई गई हो? कोई ऐसा ग्रंथ है? कभी आपने नाम सुना हो कि देखो भाई ये ऋग्वेद ने समाज व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत की और इसने ये कहा बंगाल में जो होगा ये काम करने वाला अछूत होगा, ये काम करने वाला शूद्र होगा, सछूत शूद्र होगा, ये काम करने वाला क्षत्रिय होगा, इस इलाके में इस इलाके में ये होगा, ऐसा नहीं लिखा। अगर समाज व्यवस्था का जिक्र करने वाले साहित्य में क्षेत्रवार विवरण नहीं है तो बाद में कैसे हो सकता है? क्या बाद में हो सकता है? क्या यह संभावना है कि मध्य प्रदेश के केवल 9 जिलों में कुमार को अछूत माना गया शेड्यूल कास्ट की कसौटी क्या है कि उसको वहां अछूत माना गया हो और बाकी पूरे इलाके में पूरे देश में कुमार को सछूत माना गया हो? मतलब तब अनरिजर्व था तो तब के हिसाब से बड़ी जाति का मान लिया, बड़ी ऊंची इज्जत का आदमी है, लेकिन इन 9 जिलों में ये नीची इज्जत का। ऐसे ही माली जो है उत्तराखंड में नीची इज्जत का है, बाकी पूरे देश में ऊंची इज्जत का है, किसी साहित्य में तो नहीं। आप पुराण पढ़ो, मैं ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़े, जहां जहां मुझे लगा एक दो जगह कुछ मजे के लिए पढ़े मैंने, जैसे वो ब्रह्मा के बारे में शिव पुराण वालों ने बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ, शिव के बारे में विष्णु पुराण वालों ने बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ, तो ऐसे 4-5 पुराणों में मैंने जाकर के ये समाज व्यवस्था के बारे में देखा, वहां भी नहीं लिखा। सब राष्ट्रीय एकता का अगर कहीं बढ़िया सा उदाहरण मिलता है तो समाज व्यवस्था के चित्र में मिलता है, कई क्षेत्रवाद के, और ये तब के लिखे हैं जब इस तरह के देश तो थे नहीं, जैसे यहां इस तरह के नहीं, इस तरह के धर्म थे नहीं, उस वक्त इस्लाम आया था ना उस वक्त ईसाइयत थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि श्रीलंका से अफगानिस्तान तक और इतना बड़े भूखंड में एक तरह की समाज व्यवस्था बनी और उसमें कहीं पर भी क्षेत्रवादी स्तर तय नहीं किया गया कि क्षेत्रवाद, ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं है। आपको किसी चाहे महाभारत ले लो, चाहे रामायण ले लो, चाहे गीता ले लो, चाहे आप उपनिषद ले लो,
और स्मृतियां आप जानते हैं। स्मृतियां क्या है? जैसे भारत का संविधान है वैसे वेद, और जैसे संविधान की शक्तियों के तहत कानून बनते हैं वैसे ही स्मृतियां, ये वे जो उसमें लिखा है उसके अनुसार होता है। स्मृतियां अगर डिस्प्यूटेड हो जाती है, कहीं उसमें अगर सवाल खड़े होते हैं, तो उसकी जो व्याख्या है वो कहां से निकालनी पड़ेगी? वेदों से निकाल। स्मृतियां और कुछ नहीं है, ये ब्राह्मण जो ऋषि रहे उनके द्वारा लिखी गई अपनी अपनी व्याख्याएं, उनको इकट्ठा कर दिया तो स्मृतियां बन गई। सारे ऋषियों ने नियम कानून बनाए, प्रार्थनाएं की, कविताएं लिखी, वो इकट्ठा कर दिया तो ऋग्वेद बन गया। तो ये इनका संबंध है कि अगर स्मृति डिस्प्यूटेड होगी तो वेद से व्याख्या करें, और स्मृति के बाद वाले जितने हैं, चाहे आपका पुराण है, चाहे आपका उपनिषद है, चाहे ये धर्म ग्रंथ जिनको महाभारत रामायण वगैरह जो भी आप बोलते हैं, अगर इसमें कोई चीज डिस्प्यूटेड है तो इसकी व्याख्या कहां से लेनी पड़ेगी? स्मृति में से लेनी पड़ेगी। इसका मतलब स्मृतियों में वही चीज मानी जाएगी जो वेदों में, और वेद में क्या है? वेद में तो चार ही पहचान है समाज। सो अगर स्मृति में हजार जातियों का जिक्र है, जैसे बाबा साहब की हाउ एंड वाई टीचेबल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें 12 जातियों का केवल वो वैदिक साहित्य से वो जिक्र कर रहे हैं, केवल 12 जातियां थी वैदिक पीरियड में। उसका भी आगे फिर उस ग्रंथ में उन्होंने बताया है कि ये 12 से हजारों कैसे, फिर ये भी बताया है कि इनमें आपस में सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कैसे पैदा हुई और अनटीचेबिलिटी कहां से। तो छुआछूत जो है, जैसे हमारे डीयू के साथियों ने बताया, छुआछूत ये कर्म से नहीं पैदा हुई। ये क्या समस्या है? छुआछूत क्या समस्या है? ये धार्मिक समस्या है। ये दो धर्मों की, मतलब एक ब्राह्मणों का धर्म है और एक बुद्धा का धर्म, दोनों की महाभारत से छुआछूत है। ब्राह्मण जीता तो उसने बौद्धों का छूत घोषित करवा लिया आपने, जैसे भी किया जो भी कोशिश की उसने। तो ये सामाजिक एक संरचना है हमारी। जब हम हमारा समाज बोलते हैं तो हम जाति से आगे जा नहीं पाते, एसटी है तो अलग से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब समाज की अगर आप कसौटी अगर देखोगे तो समाज की कसौटी क्या है? शादी सबसे मजबूत कसौटी। दूसरी कसौटी क्या है? खान पान। और तीसरी क्या है? आपस में अपनी जो समस्या है उनको सामूहिक रूप से अपना समझना, और चौथी आपस में मिलना जुलना, बैठना, इकट्ठे होना, चर्चा करना, जो भी। अब ये चार कसौटियों पर अगर उतारो तो जात के अलावा आज की तारीख में और कोई हिट नहीं घटता। शादी संबंध पहली कसौटी पर ही सब फेल हो जाते हैं जाति के अलावा। अब जवान पीढ़ी है वो आगे निकल रही है, वो एक अलग मसला है, पर वो ये नहीं देखती जो हम देख रहे हैं, उस हिसाब से नहीं समझती। वो तो अपना जिसके साथ में जैसा दिमाग जम गया तो शादी के लिए वो तैयार हो गया, वहां समाज की कोई परिभाषा नहीं। तो अब ये समाज की परिभाषा हमारे लिए दफ्तरों में भी प्राइस के लिए वही तकलीफ पैदा कर रही है जो समाज में पैदा।